राजस्थान में कोरोना चलते प्रदेश सरकार ने डीजे और सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा रखी है, लेकिन या तो राजस्थान पुलिस ही खुद ही कोरोना के नियमों की धज्जे उड़ाती हुई नजर आई है। कोरोना की वजह से गहलोत सरकार ने प्रदेश में डीजे पर पूर्णतः पाबंदी लगा रखी है, लेकिन या तो पुलिस वाले ही डीजे पर थिरकते हुए नजर आए हैं। राजस्थान में कोरोना गाइडलाइन के तहत अभी किसी भी तरह के सामूहिक आयोजन पर रोक है। शादी समारोह के लिए भी गाइडलाइन तय और बारात के निकासी तक नहीं निकाली जा सकती। मास्क अनिवार्यता को लेकर कानून है और कोरोना की गाइडलाइन की जनता से सख्ती से पालन करना जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन पर है, पर जिम्मेदारों ने लापरवाही की सारी अदें लांग दी है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में थाने में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन को साइडलाइन कर दिया। इस दौरान कोतवाली थाने डिस्कोथेक में तब्दील हो गया और पुलिसकर्मी इस पर जमकर ठुमके लगाते हुए नजर आए। बता दें कि यह पूरा मामला थाना अधिकारी के तबादले को लेकर जुड़ा हुआ है। प्रतापगढ़ कोतवाली थाने के अधिकारी वह मूल रूप से भीलवाड़ निवासी मदन लाल खटीक का तबादला चित्तौड़ में हुआ है। रैली होने के बाद सोमवार शाम को थाने के कर्मचारी उनका विदाई समारोह रखा। इस दौरान कोतवाली थाने को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। कोरोना संक्रमण के दौर में आम जनता के लिए प्रतिबंधित डीजे भी लगाया गया और इस पर थानेदार मदन लाल साथ पुलिस कर्मचारियों ने जमकर डांस किया। इस दौरान कोतवाल मदन लाल खटीक को फूलमालाओं से लाद कर और घोड़ी पर बैठकर उसकी बिंदोली भी निकाली गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन की लापरवाही का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। मामले का वीडियो सामने आने के बाद उदयपुर रेंज आईजी सत्यवीर सिंह ने कहा है कि फिलहाल किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतापगढ़ प्रकरण को लेकर मुझ तक शिकायत नहीं आई है। संक्रमण के इस दौर में किसी भी पुलिस कर्मचारी द्वारा अगर कोताही बरती जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जिम्मेदारी नियमों का पालन कराने न कि खुद ही नियमों को तोड़ना। इस प्रकार राजस्थान के प्रतापगढ़ में राजस्थान में डीजे की पाबंदी के बीच खुद ही पुलिस वाले डीजे पर थिरकते हुए नजर आए।